नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। श्रीनगर से इस विशेष पेशकश में आज आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर बदलाव के कगार पर इस वक्त खड़ा है। जी हां, वही बदलाव जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने का जम्मू कश्मीर के मुकद्दर में अब समा गया है। लेकिन इन सब के बीच यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन के श्रीनगर दौरे के बाद कई विवाद भी सामने आए। लेकिन आज जब ये डेलीगेशन दुनिया के सामने, प्रेस के सामने आया, तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में ऑल इज वेल। देखिए, कश्मीर की वादियां हिमालय की बर्फीली चोटियों को छूकर आती संजीवनी हवा, और इन सब के बीच श्रीनगर की डल झील में नौका विहार। कितना मनोहर, कितना शानदार, किस कदर लाजवाब। यूरोपीय संघ के आए सांसदों ने जब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का दौरा किया तो उनको एक दिन में ही समझ में आ गया कि ये कश्मीर क्यों धरती की जन्नत है। Some responsible of civil society who was involved in association, who was involved in the normal life. उससे ज्यादा ये समझ में आ गया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे घाटी में अमन और शांति की बर्फबारी होने लगी। Are we better equipped? Much better, but I would have preferred to stay longer. But unfortunately, we are active politicians with people to represent back home, so we have work to do also. So it's been a privilege. I've learned a great deal. I wish I could stay longer. Maybe I will come back with my wife another time to learn. सात समंदर पार से आने वाले सांसदों ने कश्मीर में जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, जो कुछ परखा, उससे उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि घाटी में all is well. I was here. I told you to have some information during this. Days we have information about, of course, the public administration, of course, the public with information about army, and of course, we had very interesting discussion yesterday afternoon with some responsible of civil society who was involved in association, who was involved in the normal life. And what was this message? Maybe it was the most interesting because it was from the heart. What these people said, they said, we just want to be Indian, we are Indian citizen and we want to be Indian like all the other Indian citizens. We want to have a development like other parts of the country. यूरोपीय संघ के मासूम सांसदों का ये बयान जहां दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि घाटी में कितनी शांति है, वहीं पाकिस्तान को भी ये बताने के लिए काफी है कि घाटी की जमीनी हकीकत को वो जान ले, और ये भी जान ले कि अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर 27 विदेशी सांसदों की ग्राउंड जीरो वाली रिपोर्टिंग क्या कहती है। वैसे तो घाटी में जानने के लिए एक दो दिन का वक्त ज्यादा नहीं होता, लेकिन दो दिन के छोटे से दौरे में यूरोपीय संघ के सांसदों ने दो मुल्कों के बीच की बुनियादी फर्क को अपनी आंखों से देख लिया। सरहद के इस पार के लोकतंत्र को, सरहद के उस पार के आतंकवाद को। Very impressed also by the engagement of the people we met. I will let the colleague answer for other points. I would just say for the last question, first of all, it's a good sign that India has a very free press. You know, if you look at the neighboring countries of India, you won't see so much freedom and so much democracy in the in other parts of Asia and South Asia in particular. So this is first a good thing. लेकिन देखिए ना, ऐसे पारखी, न्यायप्रिय और ईमानदार विदेशी सांसदों की यात्रा पर भी अपने देश में लोग सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष मोदी सरकार से पूछ रहा है कि हमने क्या अपराध किया था जो हमको घाटी में नहीं जाने दिया गया। आप मोदी जी क्या कर रहे हैं? यूरोप से एमपीस को किराए पे ला रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की एमपी आ रहे हैं, किस लिए? मोदी साहब दिखाएंगे कि देखो यूरोपियन बालो, जो बाहर में हिंदुस्तान सरकार के खिलाफ आलोचना किया जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात
ठीक नहीं आए वो झूठ है, ये साबित करने के लिए यूरोपियन यूनियन की एमपीस को यहां बुलाया गया। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के बंटवारे और अनुच्छेद 370 हटने के बाद 9 अगस्त को लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और डी राजा को श्रीनगर जाने की इजाजत नहीं मिली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर से वापस लौटा दिया गया। आखिरकार चौथे प्रयास में 24 सितंबर को वो तब श्रीनगर पहुंचे जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फरियाद पर इजाजत दी। 24 अगस्त को राहुल गांधी समेत 11 सदस्यीय विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल को श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली। वहीं घाटी में मुख्य धारा के नेता और 3-3 पूर्व मुख्यमंत्री आज भी नजरबंद हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती शामिल है। लेकिन कश्मीर को सबसे अच्छे से समझने वाली सरकार है और वो कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सरकार ने घाटी में शांति का जो दावा किया उसकी पुष्टि यूरोपीय संघ के सांसद कर रहे हैं, लेकिन उन सांसदों के बायोडेटा बताते हैं कि ये भी दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं। आज तक ने नाजीवादी विचारधारा के आरोप पर दो टूक पूछा तो जवाब कुछ ऐसा आया। अनफॉर्चुनेटली दिस विजिट हैज बीन इन द आई ऑफ द पॉलिटिकल स्टॉर्म इन इंडिया। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म दैट अ सर्टेन एनजीओ has hand-picked politicians with right-wing views or the very words that you used about Nazi lovers or people suffering from Islamophobia? How would you respond to them? I repeat, I think if we were a Nazi or something like that, or people in our respective country don't trust us. सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे लोगों को उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जो हिटलर के और नाजी की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। वो तो अपने आप को फखर से कहते हैं कि हम फासिस्ट हैं। आप उनको ले जा रहे हैं वैली में, क्या मैसेज दे रहे हैं वैली में आप? ये तो सरकार को तय करना, इतना इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट कंफ्यूजन कभी नहीं दिखने में आया जो आज दिख रहा है। सवालों के बीच भी एक बड़ा सच ये तो जरूर है कि यूरोपीय संघ के इन सांसदों की रिपोर्ट पाकिस्तान के दुष्प्रचार को करारा जवाब दे रही है। अंजना ओम कश्यप के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। तीन ऐसी घटनाएं जो जम्मू कश्मीर के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण रही। एक तरफ आतंकवाद का साया, जी हां, कुलगांव में जिस तरह से 5 मजदूरों को जान से मार दिया गया। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन का ये श्रीनगर दौरा, और तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर का अब केंद्र शासित प्रदेश बनना। इन सब के बीच यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन का ये दौरा विवादों के साये में था। यह आरोप लगाया विपक्ष ने कि पूरा का पूरा डेलीगेशन ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो चुनकर लाए गए हैं, जिनकी सोच लगभग बीजेपी से मिलती है या भारत सरकार से मिलती है, जिन्हें वो राइट विंग पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, और इसी के साथ ये आरोप भी कि ये इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है। आज जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ठीक यही सवाल मैंने इन सांसदों से दागा कि आपको कहा जाता है कि आप नाजी लवर्स हैं, इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, क्या था उनका जवाब, देखिए। तो आइए डल झील पर अब बात की शुरुआत करते हैं, और रविंद्र रैना जी आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि एक इतिहास तो रचा गया है अनुच्छेद 370 हटने के बाद, लेकिन इन सब के बीच तीन महत्वपूर्ण घटनाएं, यूरोपियन यूनियन के सांसदों का यहां पर पहुंचना, ऑल इज वेल के संकेत देना, कहना कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ वो आज खड़े हैं, लेकिन आगे चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि आतंकी बार बार ऐसी घटनाओं के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं लोगों के मन में। क्या है आपका स्ट्रैटेजी उनसे डील करने का? सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को बर्बाद करने की कोशिश की। पिछले 30 सालों में पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्रिस्तान में बदलने की अनेक कोशिशें की, लाखों लोगों की जाने गई, और इसका कसूरवार अगर कोई है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बंदूक वाले हैं और पाकिस्तान के बंदूक वालों का साथ देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर आज से नहीं, आदि अनादि काल से भारत भूमि का अविभाज्य अंग रहा है। जम्मू कश्मीर के शहरी हिंदुस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तानी हैं। आज जब धारा 370 जैसा कलंक भारत माता के माथे के मस्तक से हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के अंदर खुशी, लोग खुश हैं। जिस आर्टिकल के जरिए हम आपका हिस्सा बने उसी को आपने मसख किया, और उसी को कहते हैं आपकी, उसी आर्टिकल को कहते हैं कि वो कलंक था, आपके आईन का कलंक था।
ये जो मेरा आईन था जिसको आपने परसों कालादम करार दिया, उसी ने मुझे आपके मुल्क का हिस्सा करार दिया था। आपने मेरे आईन को खत्म किया, मेरे झंडे को आपने खत्म किया जिसके हाथों में आपका झंडा था, और आज आप कहते हैं कि ये कश्मीरी खुशियां मना रहे हैं। हमें हिंदुस्तान के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें बीजेपी और आरएसएस के उस एजेंडे के साथ इख्तलाफ है जो आप इस मुल्क में सिर्फ एक रंग देखना चाहते हैं। और अगर आप इस मुल्क में एक रंग देखना चाहते हैं तो फिर ये रंग भी जो है ये रंग ज्यादा देर का नहीं है। लेकिन बेग साहब ये जो आप कह रहे हैं कि जख्म खिल रहे फूल नहीं खिल रहे, कहीं आपका राजनीतिक जख्म तो नहीं है? क्योंकि आपको लग रहा है कि हमारी तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई, हमने तो इतने दिन यहाँ फूल नहीं खिलने दिया। क्या परिस्थिति पहले बहुत अच्छी थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ, ये एडिट नहीं करना आप हिम्मत है तो इलेक्शन करवा के देखें पीडीपी और जावेद बे की रेलेवेंस है कि नहीं है। आप इलेक्शन करवा के तो देख। इस पर भरोसा है आपको? क्योंकि एक जर्नलिस्ट आप हैं और मैं ये यकीन रखती हूँ कि आप थोड़ा सा एक वक्त के लिए चश्मा उतार कर थोड़ा सा सोचेंगे आगे की क्या दिखता है आपको, किस पर भरोसा करिएगा आप? अगर आपसे हम सुने कि क्या हल है आप मुझे बताएं। अंजना साहिबा, हमने 70 साल से 72 साल से नई दिल्ली पर भरोसा किया था कि हमारा सिर्फ रिश्ता ही अच्छा नहीं होगा, हमारा मसला हल भी होगा। लेकिन 70-72 साल बाद नई दिल्ली ने हमारे साथ गलत नहीं किया, हमारे साथ आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडा ने गलत किया। क्योंकि आरएसएस को जो नफरत है वो कश्मीर के मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट से है, क्योंकि आरएसएस अपने प्रीएम्बल में कहती है कि द मुस्लिम मेजोरिटी कैरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज हेडेक फॉर द नेशन। उस मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट को खत्म करने के लिए ये आरएसएस के आतंकियों ने हमारे साथ 5 अगस्त को आतंकी धमाका किया। उस धमाके में हमारी पहचान एक भारत मैं आप चाहती हूँ कि आप दोनों कंक्लूडिंग रिमार्क दे। सिर्फ बीजेपी रहेगी क्या? क्या अन्य पार्टियों का वजूद नहीं रहेगा? क्या है आपकी सोच? स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर बनाना है, स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर। और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। काम करना है, हमारे पूछे बिना हमसे स्टेट उठ छीन ली, यही सड़क बनाया आपने, 370 खत्म होने के बाद यहाँ सड़क बनेगा। आपने चोरों की तरह यहाँ की विधानसभा को पूछे बिना हमसे स्टेट उठ छीन लिया, 370 छीन लिया। ये गुंडागर्दी आपकी, हिंदुस्तान में इलेक्शन जीतने के लिए आपने ये किया। राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर की गरीब जनता को लूटा है, जिन्होंने यहाँ के हिंदू मुसलमान को आप करिएगा क्या? आप लोग अगर पीडीपी की दुकान ऐसे ही बंद हो जाएगी तो इनको तो महारत हासिल है, सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं सब बीजेपी करिएगा? मतलब अगर अन्य पार्टियों का यहाँ अस्तित्व नहीं है, आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे आप? क्या सोच रहे हैं इस वक्त? राजनीतिक दल होता है पार्टी, सब पार्टियों ने आपका आपका जो है ये कंक्लूडिंग रिमार्क है? हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से बोले। कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि एक पैगाम एक है आपका, ये जाता है सारे मुल्क में, बदले यकरण जी की ये आशनाई है गजब, एक ही खुरमन के दानों में जुदाई है गजब, जिसके फूलों में हवा अख़वत आई नहीं, उस चमन में कोई लुत्फ नगमा पिराई नहीं। लज्जत कर्ब हकीकी पर मिटा जाता हूँ मैं, इस्तलाते मौज वो साहिल से घबराता हूँ मैं। ये जो दरिया के किनारे होते हैं इसकी और मौज के दरमियान प्यार और मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए, तो फिर ये दरिया कायम रहे। जो बेग साहब ने कहा उसी बात को आगे ले जाते हैं कि बात से ही बात निकलेगी, और वो कह रहे हैं खुलकर प्रधानमंत्री को कि हाथ बढ़ाकर एक बार हाथ थामने की कोशिश कीजिए रास्ता निकालने के लिए। स्पेशल रिपोर्ट में श्रीनगर के डल झील से एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। अनुच्छेद 370 का हटना, जम्मू कश्मीर का अब केंद्र शासित प्रदेश बनना, जी हाँ मेरा कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर बदल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जब जब कश्मीर का जिक्र होता है, नेहरू पटेल का जिक्र होता है, अनुच्छेद 370 के लगाए जाने और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन सब पर चर्चा होती है। लेकिन ये श्रेय जाता है इन्हें कि इन्होंने ही भारत में जम्मू कश्मीर का विलय कराया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाकर उस विलय को पूर्ण साबित किया है। लेकिन इन सब के बीच जब तीसरी तरफ आप देखें तो यह अद्भुत संयोग भी है कि पटेल का जन्मदिन है और उसी दिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनेगा।
अब कश्मीर की नई किस्मत लिखी जा रही है। जी हाँ, 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर बदल रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीर में 31 अक्टूबर से क्या क्या बदलने जा रहा है। उससे पहले आपको दिखाते हैं नए कश्मीर के बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं। श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक जहां पर हम मौजूद हैं, श्रीनगर में जो बदलाव हो रहे हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद, उस पर आपकी क्या राय है? कैसे परिस्थिति 3 महीने में बदली? वो हमारे को बहुत परेशानी हो गई है, बंद है, सारा बंद है, इसलिए हम परेशान हो गए हैं। या आज़ादी मिलनी चाहिए या हालत खराब होनी चाहिए। ठीक है, आप बोलिए जी। 370 के खिलाफ हमारे लिए यह दुखदर्द एक कहानी है। यह हटना ही नहीं चाहिए था हमारे लिए, क्योंकि एक छोटी सी स्टेट है हमारी, और जब बाहर से जो जिसकी भी मर्जी होगा आके यहाँ बस सकता है। हमारे लिए ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन टाइम है आपके लिए, बहुत मुश्किल घड़ी है। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो रही है क्या आपको लग रही है? आपको लग रही है यहाँ पे कुछ सामान्य है? बिल्कुल कुछ नहीं है सामान्य। सबसे वरिष्ट ये जो ये 3 महीने हमारे लिए थे, आप बोलेंगे? कुछ नहीं, 370 उठने की वजह से यहाँ प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ये वापस हो जाएगा, रिमूव होना चाहिए, तभी हालात सुधरेंगे। तब तक आप बोलेंगे? आप में से कोई बोलेगा? आप बोलेंगे? चलो कोई बात, कुछ बोलते हैं कैमरे पे, कुछ नहीं बोलते हैं कैमरे पे, लेकिन सबका, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि परिस्थितियां बहुत सामान्य उनके लिए फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। कश्मीर में हालात बदल रहे हैं, कश्मीर में अब अमन चैन है, इस सवाल पर ही कश्मीरी भड़क जाते हैं। 4 महीने से, 3.5 महीने से लोग मतलब सारे बंद है। इसके बारे में पहले पूछो क्यों बंद है, यहाँ से जाके दिल्ली में पूछ, दिल्ली में बोलते हैं नहीं सब ठीक है। कहाँ ठीक है, आप देखते हैं, सब देखते हैं, रोड पे देखो, दुकानदार देखो, सब मर रहे हैं, अपने घरों में मर रहे हैं, कोई बात नहीं कर सकता है। ये दिखाओ ना आप, ये जो सच्चाई है यहाँ कश्मीर में अभी जो हो रहा है, जो चल रहा है, ये दिखाइए ना, फिर आगे की देखेंगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या होना है। क्या चाहते हैं आगे, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमारा राइट है वो 370 जो है वो वापस कर दिया जाएगा, जो अपनी कश्मीर को अपनी जो मतलब थी ना, अपनी मतलब ये एक खुद मुख्तार थी वो, जो वो अब वापस करो, फिर उससे आपकी रोजी रोटी और खाना आ जाएगा। हाँ आ जाएगी बिल्कुल, जो जो आ रहा था चल रहा था। कैसे आ रहा था? जैसे चल रहा था नहीं खा रहे थे हम पहले नहीं खा रहे थे क्या? हम पहले नहीं खा रहे थे, नहीं कर रहे थे क्या? और एक रिक्वेस्ट है, जो यहाँ देखते हैं, जो देख रहे हो, जो यहाँ आप ये टैप कर रहे हो, वही दिखाओ, और इसमें कांच छोड़ के मत दिखाओ। आपने कश्मीरियों को सुना, लेकिन अब आपको बताते हैं 31 अक्टूबर से कश्मीर में क्या क्या बदलने जा रहा है। तो सुनिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर गुरुवार से दो नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि यहाँ की आधिकारिक भाषा उर्दू की जगह हिंदी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र राज्य था जहाँ आधिकारिक भाषा उर्दू थी। अब कश्मीर में 106 नए कानून पहली बार लागू होंगे। इनमें आधार, मुस्लिम विवाह विच्छेद कानून, शत्रु संपत्ति कानून, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, RTI, शिक्षा का अधिकार, विसल ब्लोअर शामिल हैं। गुरुवार से मुस्लिम बहुल इस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक के रूप में दर्जा और अधिकार भी मिलेंगे। राज्य में 2 नए रेडियो स्टेशन भी लॉन्च किए जाएंगे। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर पुडुचेरी की तर्ज पर काम करेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 सदस्य हैं और परिसीमन के बाद इनकी संख्या 114 तक पहुंच जाएगी। कल से जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। हम आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा में 2 महिला सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होगा। गुरुवार 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर की हालत और हसियत बदल जाएगी। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर का बंटवारा होगा, जहां 2 यूनियन टेरिटरीज बनेंगी, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। लद्दाख के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर पदभार संभालेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर के लिए अलग से लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है, जो कल से अपना कामकाज संभालेंगे। अब जम्मू कश्मीर में वो सभी कानून लागू होंगे जो अभी तक राज्य होते हुए और विशेष दर्जा होते हुए जम्मू कश्मीर में नहीं थे। वो सभी केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में कल से लागू हो जाएंगे।
इस समारोह को लेकर पहले बड़ी तैयारियां चल रही थी कि इसको बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के हालात को देखते हुए फिलहाल उन सभी समारोहों को टाल दिया गया है। कुछ छोटी फंक्शनें होंगी कुछ दिल्ली में और कुछ श्रीनगर में, जहां पर जम्मू कश्मीर का ये विशेष दर्जा जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को अपने अपने सरकारी बंगले खाली करने पड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को 1 नवंबर तक बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। दोनों ही 5 अगस्त से हिरासत में हैं। अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद न सिर्फ बंगला खाली करना पड़ेगा बल्कि जम्मू कश्मीर विधानमंडल सदस्य पेंशन एक्ट 1984 निष्प्रभावी हो जाएगा, जिसके तहत इन विधायकों को भत्ते और सुविधाएं मिल रही थी। इस एक्ट को 1996 तक सुविधा अनुसार कई बार संशोधित भी किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जहां पर खूबसूरत नजारा है, डल लेक के किनारे हम मौजूद हैं, लेकिन यहां के सपनों की तबीयत कैसी है ये जानने के लिए जब हम डल झील के किनारे कुछ लोगों से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, 3 महीने होने को आए हैं अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद, क्या है आपका सपना और क्या बदल रही है तस्वीर? मेरा सपना है 40 साल से कि गेट नंबर 1 ऑन बुलवार्ड मरीन ड्राइव अप टू शालीमार गार्डन, इट्स वेरी बैड, दे शुड रिपेयर दिस रोड सो यू कैन वॉक, आई कैन वॉक, टूरिस्ट कैन वॉक, दिस इज माय, ये मेरा सवाल है। जो आपके कल मेहमान आए कश्मीर, वो भी इसी रोड पर है, पता नहीं कितने लोगों ने ठोकर खाया है इस बुलवार रोड के ऊपर, इसको ठीक करो, हम्बल रिक्वेस्ट। 3 महीने से लोग क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे नोबडी आस्क्ड देम, ये दिखा रहे हैं एवरीथिंग इज ओपन, यस्टरडे यूरोपियन डेलीगेशन यहाँ पे आई, व्हाट डिड यू से, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं वी वांट बैक, वी वांट एब्रोगेट दिस 370 जो आप लोगों ने एब्रोगेट किया है, नथिंग हैज हैपेंड येट। धारा 370 और 35 से हटने से जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोग भी जमीन खरीद सकेंगे, निजी उद्योग लगाने के लिए लोग जमीन खरीद सकेंगे, पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर की लड़की से शादी करने के बाद अब भारत की नागरिकता नहीं पा सकेंगे। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या क्या बदलेगा, एक झंडा एक विधान एक संविधान। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ हमेशा से बीजेपी और आरएसएस की जंग रही, लेकिन आखिरकार जब ये बदल गया है तो क्या कुछ बदलेगा जमीन पर, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शिकारे तैर रहे हैं, चरवाहे निकल पड़े हैं, अस्पताल खुल गए हैं, जवानों का जोश हाई है, लेकिन कई इलाकों में अब भी बीड़ियां पड़ी हैं, जैसे इस पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा है, पेट्रोल पंप के सामने जंजीर बंधी हुई है। अब कल का सूरज कश्मीर में रोशनी की नई किरण लेकर आएगा, कश्मीर का नया मुस्तकबिल लिखा जाएगा। कश्मीर घाटी में बुधवार यानी 30 अक्टूबर से परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच 65,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। आज से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, आप खुश है कि एग्जाम टाइम पे हुए? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पढ़ाई जो पिछले 3 महीने जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है तब से तो स्कूल खुले नहीं, तो कैसे आपकी पढ़ाई पूरी हो पाई? उतनी अच्छी पूरी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन थोड़ी थोड़ी हमने कम्प्लीट पढ़ाई की है खुद ही पढ़कर, बिकॉज हम लोग 12th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट खुद भी पढ़ सकते हैं, तो अच्छे से मुझे लगता है कि, और टाइमिंग भी बहुत अच्छे से होगी। घाटी में कर्फ्यू और कठिन हालातों के बीच इन छात्र छात्राओं ने बीते 3 माह से कोई क्लास अटेंड नहीं की। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी के हालात एकदम बदल गए हैं। हम आपको बता दें कि सरकार ने 2 महीने की ट्यूशन फीस माफ कर दी है। स्कूलों के बंद होने के बावजूद भी धारा 370 अनुच्छेद जब हटी थी उसके बावजूद अब जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में खासतौर से कश्मीर वादी में जो परीक्षाएं हैं उनको लेने का फैसला किया। कल बोर्ड की एग्जाम शुरू हुए 10वीं क्लास के, आज 12th के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हम एक स्कूल के बाहर है, यहां पर छात्र लगातार आ रहे हैं एग्जाम्स देने के लिए, और
करीब 65,000 जो छात्र हैं आज की परीक्षाओं में बैठेंगे, जो 12वीं क्लास की हैं, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है छात्रों के लिए कि इस एग्ज़ाम के बाद फिर आगे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो तैयारी करें, तो कहीं ना कहीं समय ज़ाया ना हो छात्रों का। तो इसीलिए एग्ज़ाम्स जो हैं वो आज से शुरू हो रहे हैं, और छात्र कहीं ना कहीं खुश भी हैं कि भले ही उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा हो लेकिन उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो समय पर हो रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं उनको जो है उनको जो साल की पढ़ाई जो है वो ज़ाया नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो युवाओं का जुनून भी कश्मीर की तकदीर बदलने के लिए बेताब दिख रहा है। जी हां, आतंकवाद के कारण विश्व भर में चर्चा में रहने वाले कश्मीर की किस्मत बदलने के लिए युवाओं की सोच बदली है और उन्होंने कश्मीर को नई दिशा देने की ठान ली है। कश्मीरी युवा अब आतंकवादियों और अलगाववादियों के छलावे में आकर गुमराह होने के बजाय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने को तैयार है। यहाँ पे हम बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ हमारे जो भर्ती करवा रहे हैं और गवर्नमेंट का, और उनसे हम अपील करते हैं कि हम बेरोज़गार नौजवान हैं और यहाँ पे हज़ारों की तादाद आप देख लें कि हज़ारों की तादाद में यहाँ बच्चे आए हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का जिन्होंने हमारे जैसे नौजवान बच्चों के लिए रोज़गार खोली है, तो यहाँ सब पुरमन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आराम से चल रहा है, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। दक्षिण कश्मीर के युवाओं का जुनून देखते ही बनता है। भर्ती रैली के दूसरे दिन भी पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम जिलों से करीब 2000 युवा रंगरेथ स्थित सैन्य भर्ती केंद्र पहुंचे। युवाओं में जोश इतना था कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए सेना को विशेष प्रबंध करने पड़े। ऐसी भर्तियां आज के बाद भी होती रहें, और ये भर्ती जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से करवाई है सर, तो इसमें कोई हम पे दबाव नहीं है और अच्छी भर्ती हो रही है, नौजवान बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सर इसमें। लेकिन कश्मीर घाटी के लोग धारा 370 हटने के करीब 3 महीने बाद भी रो रहे हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन कहते हैं कि घाटी में करीब 1,000 करोड़ के बिजनेस का नुकसान हुआ है, तो करीब 1,00,000 लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। We have given our figures. It is over 10,000 crores business losses so far. It may go up, and we have not included impacts and damages, which are more. कश्मीर के दुकानदार और कारोबारी भी 370 का रोना रो रहे हैं। कि यहाँ पे कश्मीर में पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है, और जितने भी यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, हमारी दुकानें हैं, जितना भी यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें सारा लॉस पड़ा हुआ है। इनफैक्ट अभी तो हम इतना बता नहीं सकते हैं कि कितने मतलब कितना लॉस हुआ है यहाँ पे, वो तो उसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जब से ये हालात क्रिएट हुए 5 अगस्त से हुए हैं, क्योंकि हम में एक जहन के मरीज बन चुके हैं कि करना क्या हमें कश्मीर में, रोज़ बरोज़ हड़ताल हो रही है हर जगह, हम जब सड़क पे चलते हैं ये ही नहीं पता है कि हम सेफ हैं, कि शाम को घर आएंगे कि नहीं आएंगे, या हमें कुछ होगा ये भी पता नहीं, जो हमारा सारा बिजनेस था वो सारा डाउन हो चुका है। तो क्या अब 31 अक्टूबर से कश्मीर की किस्मत चमकेगी? क्या नए कश्मीर में कारोबारी दुकानदार खुश होंगे? नई तारीख कश्मीर का नया भविष्य तय करने जा रही है। 40 साल तक जो असामान्य परिस्थिति रही उसको सामान्य बनाने में चार महीने भी नहीं लगेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। इतिहास और भविष्य आमने सामने है कश्मीर में, चुनना कश्मीर को है और रास्ता आगे का ही है। इस विशेष पेशकश में श्रीनगर के डल लेक से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।